बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद है और मैं ख़तीब इमाम बादशाह मस्जिद लाहौर हूँ, चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान हूँ, चेयरमैन मजलिस उलमाए पाकिस्तान हूँ। और हमारा पाकिस्तान के अंदर जो काम है वो यूनिटी का है, इंट्रा फेथ और इंटरफेथ हारमोनी का है कि मजहबी हम आहंगी को फ़रोग देना और मुल्क पाकिस्तान में एहतराम इंसानियत और इसी तरह मजहबी आहंगी और पैगाम पाकिस्तान के फ़रोग के लिए घर घर जाकर आवाज़ को लगाना है। मैं समझता हूँ कि जब हम बलूचिस्तान से बैठकर यूनिटी का पैगाम देते हैं तो उसका एक बड़ा असर होता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हम दे रहे थे तो पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम जा रहा था, क्योंकि हमने इंतशार से पाक पाकिस्तान बनाना है। तो बैनुल मज़ाहिब बैनुल मसालिक हम आहंगी हमारा एक मिशन है कि इसको लेके हमने मुल्क में बढ़ना है। और पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में मैं इसका सफ़ीर हूँ और जाकर बात करता हूँ। तो आज बड़ी खुशी है कि कांसी हाउस में आपने देखा कि माशाल्लाह तमाम मसालिक के उलमा यहाँ मौजूद थे, मज़ाहिब से तल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे। इसी तरह मैं शुक्रगुज़ार हूँ कांसी फैमिली का, हाजी बैदुल्ला साहब का, और वो क्या हमारे दोस्त हैं भाई अजीद अबू बुरहान के, तो उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज ये मोहब्बतें। और जब भी मैं बलूचिस्तान आता हूँ बहुत ज़्यादा हमारा इकराम और वो करते हैं, अल्लाह ताला जज़ा खैर दे। तो हम समझते हैं कि इस वक्त कौम को यूनिटी की ज़रूरत है, कौमी यकजहती की ज़रूरत है, इसको लेकर हमें आगे बढ़ना है। आए मिलकर इस आवाज़ को आम करें और बलूचिस्तान से जो आवाज़ जाती है वो पूरे पाकिस्तान पर असर करती है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अताउर रहमान है, मैंने 80s में BBS किया, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में काम करता हूँ, दौरे हदीस के, और आज चमन फाटक की मस्जिद में 40 साल से मदरसा और मस्जिद के मोहतरमिन और इमाम के तौर पर काम कर रहा हूँ। रिफा यूनिवर्सिटी तामीर नौ और अलहम्द की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और BRSP के साथ हूँ। आज मुझे इस बात पर फ़ख्र महसूस होता है, अल्लाह ताला डॉक्टर अब्दुल मालिक कासी साहब को अपनी जवार रहमत में जगह दे। ये 1977 से हमारा इनके साथ ताल्लुक़ तो हमारा रहा, लेकिन ये इस्लामिया स्कूल में अब्दुल खालिक साहब, अब्दुल सादिक शहीद साहब और अब्दुल राजिक साहब, ये सब इन्होंने ख़ुद मुझे बताया कि हम आपके वालिद के इस्लामिया स्कूल में शागिर्द रहे। बल्कि अब्दुल मालिक साहब ने एक दिन मुझे कहा कि आपके वालिद एक गांव का ज़िक्र करते थे कि जब मैं छोटा था तो बफा एक गांव है, उसमें जब मैं आया तो मैंने सोचा कि इंसान के जहन महदूद होता है, तो मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा तो दुनिया नहीं होगी। तो हमें वो बताते थे, और अरबाब नवाज भी वालिद के शागिर्द थे, गुलजमान कांसी भी वालिद के शागिर्द रहे, और वो कैफे बल्दिया में बैठ के कहते थे जब तुम चाय पियोगे तो इसके पैसे मैंने देने हैं, तुमने नहीं देने। वो हमेशा उधर होते थे। फिर इसके बाद मेरे बड़े भाई डॉक्टर जमीलुर्रहमान चूँकि चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट थे और डॉक्टर मालिक हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे चिल्ड्रन डिपार्टमेंट के, तो उस ज़माने में नागी साहब के गफ़ार नागी साहब जो थे वो रजिस्ट्रार के तौर पर उनका भी तायुन होना था, और डॉक्टर जमीलुर्रहमान भी उस कंपटीशन में थे। तो मालिक साहब ने हमें बताया कि जब मेरे वाले भाई की डेथ हुई तो काजी हुसैन अहमद चूँकि उनके दामाद थे तो दो दफ़ा ताज़ियत के लिए आए। तो ये एक अहम बात आज के उबैदुल्ला और इनायतुल्ला का उलमा के इस लोगों को
यहाँ दावत देना ये भी गैर मामूली बात है। इस तरह की एक गैदरिंग जिसमें सारे उलमा, शिया, सुन्नी, सारे मज़ाहब के लोग शरीक हों और इनको पज़ीराई देना, इनके साथ इनकी मेहमान नवाजी करना, और अब्दुल खबीर आज़ाद बादशाही मस्जिद के इमाम हैं, उन सबको जो यहाँ दावत दिए, ये भी कोई मामूली जहन की बात नहीं। हर आदमी को ही सादत बज़ोर बाजू नेस्त था न बख्शंदा खुदा है बख्शंदा। और मैं आखिर में यही फारसी का कि बिना करदंद खुश रस्में बखा को खुन गलती दन खुदा रहमत कुनद आशकाने पाक दीनतरा वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید هاشم موسوی ہوں شیعہ پیروان قرآن اہل بیت کے امام جمعہ ہوں ہمارے ہاں نماز جمعہ پورے شہر میں یعنی شرط یہ ہے کہ 4.5 kilometers کے شعبوں میں فقط ایک نماز جمعہ ہو تو میں نماز جمعہ پڑھاتا ہوں اور میرا مدرسہ ہے اور میں اتحاد بین مسلمین کے سلسلے میں اور دیگر خدمات کے سلسلے میں میرا نام لیا جاتا ہے۔ ہم نے کوئٹہ میں اجتماعی شادیاں شروع کروائی اور تقریباً 19 اجتماعی شادیاں ہم نے کروائے اور اس سلسلے میں الحمدللہ ہم نے صرف شیعہ ہزارہ نہ بلکہ پٹھان کے جوڑے اور بلوچ کے جوڑے اور عیسائی کے جوڑے اور دیگر جوڑے بھی اس میں تھے تاکہ ایک اچھے کام کے ساتھ ہم ایک اچھا پیغام بھی محبت کا اور اخوت کا اور اس شہر میں رہنے کے حوالے سے دوستی کا ایک پیغام بھی ہم دے سکیں۔ اکثر جو کچھ آزاد خیال لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ علماء اور مولوی صاحبان آپس میں دشمن ہوا کرتے ہیں، لیکن آج آپ نے دیکھا اور آپ محسوس کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ہم علماء، چاہے ہمارا مسئلہ کوئی بھی ہو، ہم ایک دوسرے کی دست و بازو ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، محبت ہے اور اکٹھے بیٹھتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ اس کھانے میں ہم سب شریک تھے، اور اس طرح کے کوئی تنگ نظری اگر کسی میں ہے تو وہ کئی اور سے اس کا اشارہ ملتا ہے، اس کو اشارہ ملتا ہے اور کئی اور اس کے تانے بانے کا جو سلسلہ ہے وہ لگتا ہے۔ ہم اس شہر میں صدیوں سے رہ رہے ہیں اور اس ملک میں رہ رہے ہیں، الحمدللہ بھائی چارے کی فضا ہے، محبت کی فضا ہے، دوستی کی۔ میں تقریباً 2018 کو اپنے ساتھ کوئی 20 علماء کو ہم لے گئے تھے کربلا، ایک میں اکیلا شیعہ تھا، باقی مختلف مسالک سے تھے، یہی ڈاکٹر عطا الرحمن اور یہ قاری انوار الحق حقانی اور یہ جو اکثر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب تھے۔ تو الحمدللہ ہمارے درمیان ایک محبت کی فضا ہے، اور پاکستانی پیغام پاکستان بھی اسی کا تسلسل ہے، خدا کرے اتحاد اور زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، اختلافات اپنی جگہ پڑ رہا ہے علمی حد تک، اور ایک دوسرے کو قائل اگر ہم نہ بھی کر سکے تو کچھ اگر اختلاف رہے بھی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بنیادی جو چیزیں ہیں ہمارے ایک ہے، ایک خدا رسول اور قرآن کو ہم مانتے ہیں، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نماز سبھی پڑھتے ہیں، حجاب پردے کا تصور ہم سب میں ہے۔ جناب ڈاکٹر عبد المالک قاسی کی جو شخصیت ہے، اس قاسی قبیلہ خود اور ان میں خصوصاً جناب ڈاکٹر عبد المالک قاسی، قاسی قبیلہ ایک پڑھا لکھا سمجھدار اور اچھے لوگ اور ہمارے ہمسائیگی میں رہنے، سینکڑوں سالوں سے ہم آپس میں رہ رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ محبت ہے اور بہت ہی زیادہ قرب ہے۔ سمجھ لے کہ ہزارہ شیعہ اور قاسی گچ کے دیگر بھی ہمارے مسلمان بھائی، لیکن یہ بہت ہی زیادہ قریب آئی ہے۔ اور پھر جناب ڈاکٹر عبد المالک قاسی، ابھی یہاں پر سکھ والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر مالک قاسی نے ہمیں مدد کی، ہندو بھی یہی کہہ رہے ہیں، کرسچین کو بھی انہوں نے مشین اسپتال کا کی جو زمین تھی وہ دیے۔ اجتماعی شادی جو ہم کروا چکے ہیں اس میں 25 lakh انہوں نے ایک مرتبہ عنایت قاسی نے ہمیں دے دی، ان کے فرزند نے، اور بارہا انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ پروگرام شروع کریں، ہم آپ کے ساتھ
किसी भी खार खैर में शामिल हैं, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आजमा लो। ये इनायत कासी जो उस बाप का फर्जंद है, जो ख़ुद एक हमदर्द इंसान थे, जो एक ख़ुद लोगों की मज़लूमियत और लोगों की गरीबी और लोगों की फ़क्र के हवाले से हमदर्दी रखते थे, और उन्होंने अपने बसात के मुताबिक जो उनके हाथ में था उन्होंने अंजाम दिया, उनका फ़र्जंद जो उनका वारिस है वो मुझसे ये कह रहे कि आगा साहब मुझे आजमा लो, मैं आपके साथ हर मैदान में खड़ा हूँ। यानी इस तरह से एक आप कहते सफ़ेद चेक। और हमने वाकई देखा कि इस तरह से ये अहले खैर है, खुदा उनको मगफरत फरमाए, खुदा इस घर को आबाद रखे और इस घर को आवाम की खिदमत के लिए हमेशा आबाद रखे। सबसे बड़ा ओहदा खुदा के नज़दीक यही है कि इंसान दूसरों की खिदमत करे। लिहाजा ये खुदा ने बहुत ही करम फरमाया इस घर पर, इनके उस नियतों के मुताबिक जो उन्होंने खदमात अंजाम दिए, खुदा ने इनको ये खिदमत की तौफीक और फिर वसाइल भी दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वसाइल भी इनके पास और खिदमत कर रहे हैं। मेरा नाम जी सरदार जसबीर जी सिंह है, चेयरमैन सिख कम्युनिटी बलूचिस्तान हूँ। वैसे मैं एज़ ए अमन कमेटी का मेंबर होते हुए तमाम मिनोरिटीज़ के साथ यहाँ बलूचिस्तान में हमारी 6 अकलीतें बसती हैं, जिनमें क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, पारसी और भाई कम्युनिटी बसती है, और इसके अलावा भी बहुत सी कौमें हैं। तो बलूचिस्तान में हमारा जो ताल्लुक़ है इस सरजमीन के साथ, इस खित्ते के साथ, वो पाकिस्तान बनने के बाद या वो नहीं है। हमारा यहाँ ताल्लुक़ जो है वो पिछले 400-500 सालों से, हिंदूइज़्म के लोग जो हैं वो तकरीबन 1000 साल आप कह सकते हैं, वो इससे भी पुराने बसते हैं। तो कहने के मतलब कि बलूचिस्तान का जो खित्ता है, इस सरज़मीन पर हमारी अकलियत का बहुत बड़ा अमल दखल रहा है। हमारे लिए आज ये खुशी की बात थी कि आज हम कासी हाउस में बैठे हुए हैं, डॉक्टर अनस साहब के वहाँ यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये हम समझते हैं कि शहदा का भी हम इनको मानते हैं, इन्होंने शहादतें भी दी हुई हैं। तो इस कबीले का आज हम पर ये एक इनके कासी हाउस में आज हम जहाँ यहाँ एक ज़ियाफ़त में आए थे, तो मैं एज ए अकलीत का मेंबर नाते होने के और सिख कम्युनिटी का चेयरमैन बलूचिस्तान, वैसे मेरा इंटरनेशनल भी ताल्लुक़ है और फेडरल गवर्नमेंट से भी मेरा ताल्लुक़ है एज ए माइनॉरिटीज़ मेंबर होते हुए, तो आज हम कासी कबीले के हाउस में बैठे हुए। तो यहाँ जब हम ज़ियाफ़त के लिए आए तो मेरे दिल में बहुत सी बातें थी इस कबीले के हिसाब से, जो मैंने अपने बुज़ुर्गान दीन से सीखी हैं इस कबीले के हवाले से। यहाँ बलूचिस्तान कोयटा में हमारी जो आबादी है वो शुरू से गरीब ही रही है, क्योंकि एक छोटी माइनॉरिटीज़ के होते हुए, जैसे हमारी क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, माइनॉरिटीज़ में आते हैं हिंदू आते हैं या शेड्यूल कास्ट आते हैं। तो हमारा ये जो पुराना ताल्लुक है कासियों के साथ, बहुत ही अच्छा रवैया और अच्छे लोग जाने जाते थे, जान मोहम्मद कासी साहब और मलक अनायत साहब कासी साहब और इनके आगे जो मिनिस्टर भी आए वो। तो इनका ये एक मैं आज ख़ास समझता हूँ अपना फ़र्ज़ कि माइनॉरिटीज़ के लिए इन्होंने बड़ी खिदमात है इनकी, एज ए मिनिस्टर होते हुए, गवर्नमेंट में होते हुए इनके काफ़ी एहसानात है। जैसे गरीबों की शादियां होती हैं तो ये लोग मदद करते हैं। तो इनकी ख़ास जो एक बात है वो मैं आज आपके सामने दोहराना चाहूँगा कि यहाँ कासी कौम की वजह से, इस घराने की वजह से, इनका जो एक अच्छा काम है बलूचिस्तान में माइनॉरिटीज के लिए, आपने सुना होगा शांति नगर का नाम, वहाँ एक हिंदू आबादी रहती है, शेड्यूल कास्ट छोटे लोग हैं, तो उनके पास कोई यहाँ रहने के लिए उनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था एक ज़माने में, पाकिस्तान बनने से पहले तो इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करता था। तो यही कासी फैमिली थी जिन्होंने इनको ये जगह दी, और आज भी वो 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ बसते हैं जिसको शांति नगर कहा जाता है। उसके अलावा यहीं सिटी एरिया में आपने पुराना पीढ़ी कासी रोड बस्ती पंचायत का नाम सुना होगा, तो ये भी पाकिस्तान बनने से पहले ये जो ज़मीन अकलीतों को दी गई तो वो इसी घराने की वजह से वो आज आबाद हैं, और वहाँ तीसरी चौथी पुश्त चल रही है लोगों की, तकरीबन 1000 से 1400 लोग वहाँ आबाद हैं आज भी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक कासी कौम का एक हम लोगों के ऊपर एहसान हम कह सकते हैं
कि उन्होंने यहाँ रहते हुए अकलियत को भी अपने गले से लगाया और उनके साथ भी अपना शफकत का हाथ रखा। ये हम हमेशा ज़िंदा रहते हुए उनकी खिदमात को याद रखेंगे। मेरा नाम पादरी साइमन बशीर है और मेरा ताल्लुक बैतेल मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च से है जो रेलवे स्टेशन के सामने। मुझे बलूचिस्तान में तकरीबन 17 साल हो गए हैं यहाँ पर बतौर पादरी खिदमात सर अंजाम देते हुए। और मैं जब क्वेटा में आया था तो मेरा जो इब्तदाई इंटरेक्शन था दाऊद कासी साहब जैद वकीलों में शुमार होते हैं अनायत कासी साहब इनसे मुलाकातें रहीं और चर्च के कई एक मुकदमात भी ये देखते रहे तो इस हवाले से इस ख़ानदान के साथ गहरी कुर्बत रही वज़ीर कासी अरबाब कासी। तो मैं इस ख़ानदान के काफ़ी और लोगों को जानता हूँ जो मुआशरे के अंदर इंतहाई शफीक मोहब्बत से भरे हुए। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, खुदाए करीम उन शहदाओं के दर्जात को बुलंद करे और उनके सारे घरानों को इलाही तसल्ली इत्मीनान तशफ़ी अता फरमाए। खिदमात के ताल्लुक से डॉक्टर मालिक कासी का नाम सर फहरिस्त है। अंग्रेज़ों के दौर में भी खसूसन लॉर्ड संडेमन के दौर में भी कासी ट्राइब जो यहाँ का ओनर ट्राइब था मालिक ट्राइब था उनकी खिदमात थी। तो उन्हीं बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे चलते हुए डॉक्टर मालिक कासी ने गिरा कदर इस सूबे में खिदमात सर अंजाम दी हैं जो सेहत तालीम और लोगों की वेलफेयर के साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मालिक कासी क्रिश्चियन हॉस्पिटल हो या चर्चिज़ हो, मुझे याद है कि डॉक्टर मालिक कासी के दौर में हमारे बैतेल मेमोरियल चर्च की दीवार छोटी थी। बताया जाता है कि उन्होंने अपने खुसूसी फंड से इसकी दीवारों को इन्हेंस करवाया जब ये छोटी दीवार होती थी। ये बात 90s की दिहाई की है। तो इस ताल्लुक़ से जब हम उनकी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाते हैं गो के वो सेहत के शोबे से वाबस्ता थे जिसमें वो बिला रंग व नस्ल मज़हब की कैद से आज़ाद थे, इंसानियत की खिदमत करते थे। तो हम सिविल हॉस्पिटल में भी देखते हैं, क्रिश्चियन हॉस्पिटल में भी उनकी खिदमात देखते हैं और दीगर जो मसीही स्कूल हैं बड़े कॉन्वेंट ग्रामर और सेक्रेड हार्ट सेंट मेरीज़ सेंट माइकल्स, तो इन तमाम स्कूलों के अंदर वो अगर दौरे इक्तदार में है या दौरे इक्तदार में नहीं है हुकूमत में वो अपनी खिदमात पेश करते रहे हैं गाहे बगाहे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बसने वाले तमाम मसीही डॉक्टर साहब की शख्सियत से वाकिफ़ हैं। डॉक्टर साहब के इंतकाल पर हम तमाम मसीही दुआगो रहे। तो ऐसी अजीम हस्तियों को याद करते हैं, ऐसे घरानों को याद करते हैं जिन्होंने इस खत्ते के लिए गिरा कदर खिदमात सर अंजाम दी। थैंक यू।